आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम अभय सैनी है और भी मैं अभय सैनी में आप सभी का स्वागत है। सवाल है आपके सामने, एक त्रिभुज है एबीसी, बीसी की लंबाई 24 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 120 सेंटीमीटर, एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ बीडी और एसी। ठीक है, तीन मेथड से बताएंगे। पहले फर्स्ट मेथड से सवाल, पहले डायग्राम बना रहा हूं। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, और आपसे बोला बीसी 24 है, यानी कि ये लेंथ 24, एरिया ऑफ ट्रायंगल 120, यानी कि हाफ इंटू 24 इंटू हाइट 120 दे रखी है, यानी कि हाइट 10 दे रखी है इस ट्रायंगल की, बीसी अगर बेस है तो, ठीक है। और आपने एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी कि ये 10 दे रखी है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ बीडी, यानी इसका कोई मिड पॉइंट है उसका, और एसी का मिड पॉइंट है उसका, इसके बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो मेथड वन कहता है कि आप एक काम करो, बी को उठा के यहां चिपका दो डी पे, यानी ऐसे करो। तो आपने बोला ये 10 हो गया, ये बी और डी दोनों पॉइंट एक ही है, ये 24 हो गया, तो ये 26 हो गया। तो ये जो डिस्टेंस पूछा है, ये मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट, तो 13 आंसर आ गया पहला मेथड। पहले आप लोगों को जादू पसंद आता है, इसलिए पहले जादू वाला मेथड बता दिया। अब मेथड टू, ठीक है, तीन मेथड कराएंगे, कोऑर्डिनेट वाला मेथड भी बताऊंगा। मेथड टू कहता है कि मान लीजिए कोई, पहले डायग्राम बनाया ए बी सी, ठीक है, और ये इधर ड्रॉ किया था, इसका मिड पॉइंट ऐसे करके ए डी था, मान लो इसका नाम है ई, इसका नाम है एफ, ठीक है, और ये पूरा 24, ठीक है, और ये 10 दे। अब बताओ अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है, लेट्स से अगर ये मिड पॉइंट, ठीक है, और ये भी मिड पॉइंट है, मान लो ये वाई है और ये भी वाई है, ये वाई है और ये भी वाई है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आप मुझे बताओ अगर ये 10 है, तो इस मिड पॉइंट से अगर मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, देखो ऐसे करके बना दिया, कि अगर ये 10 है और ये मिड पॉइंट है, ठीक है, तो यहां से ड्रॉ किया तो ये भी बराबर बराबर है, तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट हो जाएगी, मिड पॉइंट थ्योरम से ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, और ये भी परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर, ये भी पैरेलल, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि यानी कि ये जो बचा हुआ है, ये भी हाफ हाफ में टूटेगा मिड पॉइंट थ्योरम, तो मैंने बोल दिया 12 माइनस वाई और 12 माइनस वाई में टूटेगा, क्योंकि पूरा कितना था 24 था, 2y आपने, अब 24 था 2y आपने निकाल दिया, तो बचा हुआ 12 माइनस वाई और 12 माइनस वाई, क्योंकि 24 माइनस 2y होना चाहिए ना, तो 12 माइनस वाई 12 माइनस वाई, ये ज्योमेट्री का मैथ है। तो आपने बोला इसका मतलब ये है कि ये पूरी लेंथ, अगर जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में 12 माइनस वाई और 12, यानी ये 12 हो गया, ये 5 है, तो ये 13 हो गया ट्रिपलेट से, 12 5 13 का ट्रिपलेट, ये मेथड टू था। मेथड थ्री कोऑर्डिनेट यूज कर लेते हैं, ठीक है, मान लो ये ओरिजिन पे डाल देते हैं 0 0, तो ये वाला 24 और 0, और ये ऐसे परपेंडिकुलर था, मान लो ये कोई एक्स और 0 था, एक्स एक्सिस पे ऐसे होता है ना, कोऑर्डिनेट भी चेक हो जाएगा आपका इस बार में, 0 0 इस लाइन पे बेस बना दिया, यानी ये बी सी बना दिया, इसका नाम बी है, ये सी ए, तो यहाँ पे कितना आएगा, आपने बोला 10 लेंथ है, तो आपका ये आएगा एक्स कॉमा 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे एक्स कॉमा 10, क्योंकि ये लेंथ 10 है, गिवन थी, हमने निकाल ली थी, गिवन मतलब क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से 10 निकाल ली, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से 10 निकाल ली थी। तो अब मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम चाहिए, तो आप बोलोगे
एक्स का आधा और 24 का आधा 12, एक्स का कोऑर्डिनेट ये, यानी एक्स प्लस 24 का आधा और 10 का आधा यानी कि 5, इसके कोऑर्डिनेट यानी इस मिड पॉइंट के, मान लो इसका नाम एफ है, तो इस कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, एक्स प्लस 24 का आधा और 10 प्लस 0 का आधा। और इस वाले का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, आप बोलोगे एक्स प्लस 0 का आधा यानी एक्स बाय 2 और 0, तो इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है अंडर रूट एक्स बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, ये देखो इधर एक्स बाय 2 प्लस 12 माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर और 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यानी आपने बोला कि यहाँ पे 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर रूट 169 13, तो ये मेथड 3 था। कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो आपको वन टाइम में ना समझ में आए, अगर वन टाइम में नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब आपके थोड़े से बेसिक्स वीक है, आपको कोऑर्डिनेट के बारे में, मिड पॉइंट के बारे में नहीं पता, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना नहीं आता, ये सब चीजें नहीं पता। अगर इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले मेथड को समझने में दिक्कत आ रही है, यानी आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम नहीं पता, जिसे मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं वो नहीं पता आपको, और अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, ये तो खैर ये तो हिट एंड ट्रायल की बात है कि हमने इसको उठा के यहाँ चिपका दिया, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। रीजन क्यों, क्योंकि जब मैं इस बी पॉइंट को, बी को उठा के, जब मैं इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे चिपकाऊंगा तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन बना रहा हूँ, जिससे ये जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस मतलब यहाँ का मिड पॉइंट, क्योंकि ये मिड पॉइंट इन तीनों के बराबर होता है, सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, है ना, तो ये 26 है तो h/2 यानी 13 हो जाती है। तो ये तीनों मेथड एक तरीके से मिरर की तरह काम भी आएंगे, आपको ऐसा मिरर दिख रहा है, क्यों, क्योंकि अगर आपको इन मेथड्स को समझने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब आप रेडी नहीं है, आप अपने आप को रेडी करिए। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कोई और दिक्कत हो तो। दैट्स इट।